सबसे बड़ा इशू था कि मतलब जिस तरह का परफॉर्मेंस चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, पैसा पिकअप नहीं था, और मतलब फर्स्ट गियर पे ही ज़्यादातर उठानी पड़ती थी, एसी चालू कर दो तो बैठ जाती थी। तो बैठ जाती थी। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये हमारी हुंडई की ऑरा और 2021 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेट इंजन। इस गाड़ी में आज से 1 महीने पहले सीएनजी किट इंस्टॉल की गई थी। गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट ही इसमें इंस्टॉल्ड है मगर इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ से नहीं हुआ था। ये गाड़ी के जो ओनर हैं वो गाड़ी की परफॉर्मेंस से थोड़े से नाखुश थे, तो जहाँ से उन्होंने लगवाई है वहाँ 2-4 बार उन्होंने विजिट किया बट उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो आज ये गाड़ी हमारे पास आई, आज हमने इसमें डायनामिक एडवांसर लगाया और थोड़ी सी ट्यूनिंग की है जबकि इसमें पहले स्टैटिक एडवांसर था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डायनामिक एडवांसर की प्लेसमेंट और किट की इंस्टॉलेशन कैसे हुई हुई है। तो ये हमारा ऑरा का इंजन बे और किट आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट लगी हुई है। ये रिड्यूसर है, ये गेज है आपका, ये मैप सेंसर है CNG सिस्टम का, ये इंजेक्टर रेल्स हैं और फिटिंग नॉर्मल सी हुई हुई है। वायरिंग ये देख रहे हैं आप, ये पूरी वायरिंग है, पाइप्स पूरे खुले हुए हैं। इनको अगर स्लीव कर दिया जाता तो बेहतर लुक आ सकता था, फिल्टर वगैरह कुछ नहीं है इसमें। हाँ, कपलर टू कपलर वायरिंग ज़रूर की हुई है, बाकी कोई करता है कपलर टू कपलर वायरिंग, हम तो कपलर टू कपलर भी करते हैं और सोल्डरिंग भी करते हैं, डिपेंड करता है ओनर की क्या प्रेफरेंस है। तो इंस्टॉलेशन सो सो है और इसमें पहले स्टैटिक एडवांसर लगा हुआ था, आज हमने इसमें डायनामिक एडवांसर लगाया है। स्टार्टिंग के साथ भी गाड़ी ठीक परफॉर्म करती है मगर जो ये हुंडई की गाड़ियाँ हैं ये थोड़ी सी वेट में हैवी है तो थोड़ा लैग आता है, और बाकी जो स्टार्टिंग एडवांसर होता है उसका थोड़ा सा जर्की नेचर होता है, कुछ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को मज़ा नहीं आता वो जर्की नेचर में। तो डायनामिक एडवांसर बेसिकली गाड़ी के क्रैंक कैम थ्रॉटल और मैप सेंसर के साथ मिलकर काम करता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, तो इसकी जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी स्मूथ होती है, जर्क महसूस नहीं होता और मतलब इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी और क्विक है स्टैटिक एडवांसर से क्योंकि बट ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। गाड़ी की हमने ट्राई वगैरह ले ली है तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं। तो सर आपकी अराउंड 1 महीना ही हुआ है तो क्या इशू रहा, क्या मतलब आपको मज़ा नहीं आ रहा था? सबसे बड़ा इशू था कि मतलब जिस तरह का परफॉर्मेंस चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, पैसा पिकअप नहीं था, और मतलब फर्स्ट गियर पे ज़्यादातर उठानी पड़ती थी, एसी चालू कर दो तो बैठ जाती थी, तो बैठ जाती थी। जब इवन इसमें वो लगा हुआ था उसके बावजूद भी स्टैटिक वाला, हाँ मतलब वो जैसा मैं चाह रहा था ना पेट्रोल टाइप का स्मूथनेस या हाँ, एक वो नहीं आ रहा, चाल बढ़िया सी हो। हाँ मतलब वो रफ एंड टफ मेरे को पता चल रहा था कि हाँ भाई मैं CNG पे चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है, बट अभी जितना मैंने चलाया ये लगवाने के बाद मतलब वो जो फील था ना वो वापस से आ रहा है। मतलब अब आपको गाड़ी स्मूथ लग रही है, पहले हाँ। गियर का काम दूसरे पे हो रहा है, दूसरे का तीसरे पे हो रहा है। एग्जैक्टली वही, जैसे सर का एक क्वेश्चन था कि भाई डायनामिक एडवांसर एवरेज में कैसे आपको एडिशन करता है कि भाई एवरेज अच्छी कैसे आएगी, तो देखिए डायनामिक एडवांसर कोई एवरेज को बूस्ट नहीं करता, ये परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। जब गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, अच्छा टॉर्क मिल रहा होगा, तो क्या होता है फर्स्ट से सेकंड पे जल्दी आ जाओगे, सेकंड से थर्ड पे जल्दी आ जाओगे, थर्ड से फोर्थ पे जल्दी आ जाओगे क्योंकि आपको कम RPM पे प्रॉपर टॉर्क मिल रहा है। तो इस तरह से एवरेज बढ़ती है। अगर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस स्मूथ नहीं है या अच्छी नहीं है तो आप पहले गियर को खींचोगे लंबा, फिर दूसरे को खींचोगे लंबा, पहले जल्दी जल्दी आप अगर सेकंड पे हो तो फर्स्ट पे आओगे, थर्ड पे हो सेकंड पे आओगे, तो वहाँ एवरेज खराब होती है। प्रॉपर टॉर्क मिलेगा, प्रॉपर पावर अगर आपको गाड़ी को कम RPM में मिल रही है तो आपकी एवरेज वहाँ अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अनोखा कोई जादू हो जाता है कि भाई ये एवरेज बढ़ाता है, वो एवरेज आपकी ड्राइविंग बेहतर कर देती है। जब आपकी ड्राइविंग पहले से स्मूथ हो जाती है तो गाड़ी की एवरेज अच्छी लग जाती है। तो अभी जैसे आपने चलाई तो आपको पहले में और अब में जो ड्राइवेबिलिटी है, जैसा मैंने जो एग्जाम्पल दिया ये पहले दूसरे वाला, हाँ आपको उसमें कुछ बेहतर लगा? हाँ डिफरेंस तो है, अब उठ रही है दूसरे पे भी आराम से, जबकि हम 3 बंदे भी देसी आराम से बैठ गए हैं। हाँ मतलब अब तक जब हमने चलाई है तो मतलब AC पे ही ऑन करी है गाड़ी, AC कहीं बीच में बंद भी नहीं करा, जी 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 उठी भी आराम से उठी। हाँ हमने जबकि बम्पर टू बम्पर में भी एकदम सेकंड पे उठाई। हाँ तो सर ये है सारा सीन। अगर आपकी गाड़ी, देखिए एक छोटी सी बात और मैं शेयर करता हूँ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं या मेरे पास बहुत से फोन भी आते हैं कि भाई मैंने डायनामिक एडवांसर लगा रखा है फिर भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कहीं और से लगाया है जो भी है, तो मसला क्या होता है जो डायनामिक एडवांसर है ना ये एक यूनिवर्सल पार्ट है, ये न्योस में भी लगेगा, ये आइटन ग्रैंड में भी लग सकता है, ये क्रेटा में भी लग सकता है, स्विफ्ट में भी लग सकता है, ये होंडा सिटी में, मतलब हर गाड़ी में ये लग सकता है, डिपेंड्स। तो
इसको भी ट्यून करना होता है गाड़ी के अकॉर्डिंग कि भाई कितने आरपीएम पे हमें कितना डिग्री एडवांस करना है, कितने आरपीएम पे कितना रिटायर करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बस आपने इसको एडवांस ही एडवांस कर दिया। गाड़ी अगर ज़्यादा एडवांस हो जाएगी तो भी तंग करेगी, तो हमें देखना होता है, गाड़ी टू गाड़ी डिफर करता है कि भाई कितना एडवांस हमें गाड़ी को रखना है, जो इसके लिए इंजन वाइज भी हेल्दी रहे और गाड़ी को चलाने में मज़ा भी आए और लॉन्ग रन में गाड़ी आपकी सेफ भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि बस डायनामिक एडवांस लगा दिया तो ये जादू करेगा अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी, इसको भी ट्यून करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है इसको प्रॉपरली गाड़ी के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ट्यून करना। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।